नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं आज के मुद्दे की ओर, बात कर लेते हैं पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर छिड़े सियासी घमासान की। जी हां, इस सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने पहली बार ओबीसी वोटरों की गिनती शुरू करा दी है। इसका जिम्मा 22,000 पंचायत सचिवों, 12,000 पटवारियों और 20,000 रोजगार सहायकों को दिया गया है, जिन्हें 10 दिन के भीतर गिनती का काम पूरा करना है। सरकार की तरफ से ये आदेश बीती देर रात कलेक्टर को भेज दिए गए हैं और वोटों की गिनती सभी ग्राम पंचायतों की वार्ड इकाईवार और पंचायतवार होगी। वहीं इनमें जितने भी पिछड़ा वर्ग के वोटर हैं उनकी एक्सेल शीट तैयार की जाएगी और जो सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। तो वहीं सरकार ने वोटों की गिनती के पीछे मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के उस पत्र का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी आयोग पिछड़े वर्ग की जातियों का अध्ययन करना चाहता है और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को पिछड़ा वर्ग में उल्लेखित जातियों की सूची उपलब्ध कराएं। यह सूची शासन की ओर से ही भेजी गई है। पंचायतवार व इकाईवार पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अंकित करने के बाद उस मतदाता सूची को सुरक्षित रखा जाएगा और जिसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो ओबीसी वोटरों की गणना अब शुरू हो चुकी है और आज चर्चा इसी मुद्दे पर। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इसी मुद्दे पर जेपी धनोपिया ने। मध्य प्रदेश में भारतीय पार्टी की सरकार एक बार फिर पिछड़े वर्ग के साथ में राजनीति कर रही है और आश्चर्य इस बात का है कि आज पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग के वोटर्स की गिनती करने के लिए आदेश जारी किया गया है। पटवारियों से, पंचायत सचिवों से, इन सबसे इसकी गिनती कराई जा रही है। इस गिनती के पीछे उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ये गिनती कैसे होगी? क्या मतदाता सूची से होगी? मतदाता सूची में तो वोटर्स के आगे लिखा ही नहीं होता वो किस जाति हो, किस वर्ग के लोग हैं। और ये जिस उद्देश्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की, तो उसमें भी ये निश्चित से गलतियां कर रहे हैं। जबकि माननीय न्यायालय का साफ कहना है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर एक आयोग का गठन होना चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग न संविधान संस्था है न किस तरह से उद्देश्य गठित किया गया है। ऐसे में इसके द्वारा ये कार्य कराने का उद्देश्य साफ है कि पिछड़े वर्ग को गुमराह करना, पिछड़े वर्ग के बारे में ये कहना कि हम देखिए आपके लिए काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ पैनल पर तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा से संजय पटेल जी और कांग्रेस से संतोष परिहार जी और वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी हमारे साथ स्थान पर जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय पटेल जी, आखिर वोटों की गिनती कराकर क्या कराना चाहती सरकार? देखिए अनन्या जी, ये वोटों की गिनती नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनको उचित सम्मान मिले, उचित आरक्षण मिले और उस उचित सम्मान और आरक्षण के लिए उनकी सही संख्या हमारे पास होना चाहिए। और सही संख्या हमारे पास अगर होती है तो इसमें विपक्ष को तकलीफ क्या है? अच्छी बात है, अगर सही संख्या हमारे सामने आएगी तो उनके लिए ठीक से योजनाएं बन पाएगी, ठीक से उनके लिए काम कर पाएंगे। संतोष परिहार जी, संतोष जी कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है ओबीसी वालों के लिए, तो फिर कांग्रेस को तकलीफ क्या है? देखिए अनन्या जी, कांग्रेस को तकलीफ ना पहले थी ना आज है। ये क्या है, झूठ का जो ये लोगों को ओबीसी में जो भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, इससे तकलीफ है जनता को। क्योंकि ये क्या अभी तक इनकी पूर्व में भी सरकार रही, आज तक ये ओबीसी की गणना क्यों नहीं करा पाए? निश्चित तौर पे क्या है, ये ओबीसी के लिए दिखावा कर रहे हैं। और अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो है जो आदेश दिया था उसमें इनके आयोग के वकील ने और सरकार के वकील ने कोई विरोध ही नहीं किया वहाँ पे। तो ये तो क्या है कि ओबीसी वर्ग को भ्रम फैलाने के लिए झूठ मूठ के कैसे कराएंगे आरक्षण? आप बताइए ना अनन्या जी, आगे जाति लिखी रहती है क्या ओबीसी के पीछे? कैसे गिनती का गणना कर? ये केवल झूठ फैला रहे हैं लोग, ओबीसी वर्ग में भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि ओबीसी वर्ग ये जान चुका है कि हमारे आरक्षण में इनके द्वारा ही ढील बरती गई, इसीलिए जो है कोर्ट से जो है गलत आदेश आए। तो उसके लिए उसकी दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, बाकी इनका कोई ओबीसी के प्रति, अभी इतने सालों से ओबीसी के मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, क्यों नहीं करा अभी तक इन्होंने गणना? क्यों नहीं उस समय करवा लेते? आरक्षण तो करवा नहीं पा रहे हैं अब, अभी सब सभी ने विधानसभा में संकल्प पारित हो गया है, तो अब आने वाले समय बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, तो पहले ही हो गया था, इसे दिखावा कर रहे हैं। चलिए रवि अवस्थी जी, क्या लगता है ये ओबीसी गिनती कराकर क्या होगा आगे? सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने फैसले में जो बात कही जिस समारोह को लेकर, उसमें सरकार को हिस्सा नहीं दे पाई, राज्य निर्वाचन आयोग को हिस्सा नहीं दे पाया, वो यही था कि ट्रिपल टी टेस्ट को लेकर न्यायालय ने सवाल उठाए थे
कि भाई आपके यहाँ से उसका पालन हुआ है, तो खैर जब मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ, तो उन्होंने वही बात सामने आई कि भाई ट्रिपल टी टेस्ट का हमें पूरी तरह से पालन करना है। तो अनन्या सबसे पहले तो ये देखने की ट्रिपल टी क्या है। दरअसल आरक्षण के मामले में एक तो सबसे पहले आयोग बनाया जाना चाहिए, तो आयोग ऑलरेडी अपने मध्य प्रदेश में है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, और वो आयोग तय करेगा कि आबादी के मान से क्या आरक्षण का प्रतिशत है। आबादी का आकलन भी करने की बात है कि उसमें गणना वो करेगा कितनी आबादी, क्योंकि न्यायालय में यही मामला उठा है कि भाई आपको बताना है कि आपके यहाँ पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी, तब तो परसेंटेज तय होगा कि आरक्षण का परसेंटेज क्या रखा जाए। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हालांकि केवल मध्य प्रदेश में ही, बाकी राज्यों में भी नहीं है ये स्थिति, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है, राजस्थान में भी यही स्थिति है, कहीं पर भी एसटी और एससी को छोड़ के किसी अन्य जाति के कोई गणना अब तक नहीं हुई है आजाद भारत में। इसके चलते जो है इस तरह की विषम, और अब चूंकि कई राज्यों में पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने की बात चल रही है, इसलिए तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं अनन्या। तो अगर देखा जाए तो अभी भी देखिए हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिन तीन विभागों पर स्टे दे रखा था उनको छोड़कर बाकी जगह राज्य सरकार लगातार चाहे एमपीपीएससी हो चाहे अन्य जगह हो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% के मान से भर्ती कर रही है, लेकिन हर मामले में हाईकोर्ट से स्टे हो जाता है, तो ना तो 27% को लाभ मिल पा रहा है, ना जो पहले के 13% से उनको लाभ मिल पा रहा है। इसके फेर में जो है एसटी एससी और अदर कैटेगरीज के लोग भी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक तय नहीं हो जाता कि परसेंटेज ओबीसी का कितना रहे, तब तक कम से कम जो वर्तमान व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था है उसी के हिसाब से भर्ती की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। अनन्या जी, सर्वे पटेल जी, अब तो रवि जी ने बता दिया है परसेंटेज क्या रखेगी ओबीसी का, रूप से कहा है कि 27% के आरक्षण के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, और इसको लेकर विधानसभा में संकल्प भी पारित हुआ है। जहां तक देखिए कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र बोल रहे हैं और उन्होंने कोर्ट की बातें कही, देखिए कांग्रेस ने सदैव छलावा किया है पिछड़ा वर्ग के साथ। जब कांग्रेस को कोर्ट में जाना चाहिए था, जब उन्होंने 27% के आरक्षण की घोषणा की थी और उसके खिलाफ स्टे लग गया था, तो उस समय कांग्रेस को मजबूती से पिछड़ा वर्ग के पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहिए था कोर्ट में, उस समय उन्होंने पक्ष रखा नहीं। जब पंचायत चुनाव आए और पंचायत चुनाव को होने देना चाहिए, तो उन्होंने उसके खिलाफ जाकर कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। तो कांग्रेस क्या करती है कि जहां उनको नहीं रखना चाहिए वहां रखती है, जहां रखना चाहिए वहां नहीं रखती है। तो कांग्रेस में कोई एक रूपता नहीं है, उनके एक नेता कहते हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, दूसरे कहते हैं जा रहे हैं, और अंत तो चले जाते हैं। तो ये कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, वो चाहते क्या है, सिर्फ हर बात का विरोध करना, हर निर्णय का सरकार का विरोध करना, ये उनको फायदा नहीं पहुंचाने वाला, ये कांग्रेस को और गर्त में ले जाने वाला है। तो कांग्रेस को इसमें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ आना चाहिए। संतोष परियार जी, संतोष जी कह रहे हैं कि कांग्रेस एकमत नहीं है ओबीसी के मुद्दे पर। देखिए अनन्या जी, कांग्रेस की जो अभी बात कर रहे थे हमारे विद्वान में, तो कांग्रेस जो कोर्ट में गई थी उसमें रोटेशन को लेके गई थी कि जो है लोग सात साल इंतजार करते हैं रोटेशन को लेके, कांग्रेस का तो ये कोर्ट में रोटेशन को लेके गई थी। अब इसके अंदर ये नया जो ये जो बात हमारे मित्र कर रहे हैं, जहां तक 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में 27% आरक्षण का तो उनने संकल्प पारित करा था विधानसभा से, ये तो बाद में जो है उसके पीछे ही चले गए, चलिए आप 27% कर दीजिए। 27% के लिए तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी कमलनाथ जी के उसमें, और जहां तक ये बात कर रहे हैं रोटेशन का, तो कांग्रेस रोटेशन के लिए गई थी कि 7-7 साल लोग इंतजार करते हैं और इसके बाद भी जो है सही वो उनको न्याय नहीं मिलेगा ओबीसी को, तो उसके लिए क्या था। जहां तक जो बात कर रहे हैं ये कोर्ट की, तो कोर्ट में जो है कोर्ट के अंदर तो उसके मामला ये कोर्ट में, तो कोर्ट ने दूसरा आदेश दे दिया, तो वहां पे इनके वकील को विरोध करना चाहिए ना, क्यों नहीं करा वकील ने विरोध, आयोग का वकील था, सरकार का वकील है, ये जनता को केवल दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, ताकि जो है जनता समझ न सके। जनता पूरी तरह से समझ गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है केवल झूठ फैलाती है, इनको जो है काम करने के लिए कुछ नहीं है, केवल झूठ फैलाओ, भ्रम फैलाओ और वो करो। तो जहां तक जो है अनन्या जी बात है कि जनता समझ चुकी है, और ये अपनी पार्टी की चिंता करें, हम कांग्रेस की चिंता छोड़ दें, कांग्रेस आने वाले समय में बता देगी कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये जो अपनी बात करें जो है भ्रम फैलाना बंद करें लोगों को। चलिए रवि अवस्थी जी, यहाँ पर देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है विधानसभा में मुद्दा काफी हाईलाइटेड रहा था, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ओबीसी वर्ग पर फोकस अभी से ही बहुत पहले से बनाकर चल रही है दोनों पार्टियां।
देखिए अनन्या, जो स्थिति बनी है, जो निर्मित हुई है पंचायत चुनाव को लेकर, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि 27% जो आपने आरक्षण के हिसाब से जो रिजर्व सीटें की थी, तो यह समझने वाली बात ये भी है अनन्या कि देखिए भर्ती या दूसरे मामलों में एक पारदर्शिता होती है, लेकिन खास करके पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी सी इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रिपल डी टेस्ट में जो है कई बार आबादी के हिसाब, क्योंकि पंचायत चुनाव में आबादी के हिसाब से आरक्षण करना होता है, और आबादी जो है, अगर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए झाबुआ जिले की आबादी, वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग की सीटें कम होंगी, तो वो तमाम सीटें सामान्य हो जाएगी। ये तमाम एक बड़ा पेचीदा मुद्दा है पंचायत चुनाव को लेकर, जिसमें जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, इसीलिए उन्होंने ओबीसी आरक्षण की सीट जो है वो सामान्य कन्वर्ट करने की बात कही थी। तो ये एक समझने वाली बात होगी। और